प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स राइट्स। सबसे पहले पीबीआर यानी प्लांट ब्रीडर्स राइट्स की बात करें तो ये आईपीआर का ही एक रूप है या उसकी एक फॉर्म है बाय विच जो न्यू वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है एक प्लांट ब्रीडर के द्वारा उसको प्रिजर्व किया जाता है या उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। इट इंक्लूड्स NDUS। NDUS का मतलब ये है, एक तो इसमें नोवेल्टी होती है, D का मतलब डिस्टिंक्टनेस होती है, U का मतलब यूनिफॉर्मिटी होती है और S का मतलब स्टेबिलिटी होती है। तो इन चारों को PBR के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो PBR है वो वैलिड होता है अप टू 20 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी जो है वो दी जाती है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, द PBR इज वैलिड फॉर फील्ड क्रॉप्स इज, तो 20 ईयर्स जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर इसमें आ जाएगा। PBR इंक्लूड्स, PBR में क्या कुछ इंक्लूड्स होता है, नोवेल्टी होती है, डिस्टिंक्टनेस होती है, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी होती है, ऑल द अबव होता है, तो आंसर इसमें ऑल द अबव आ जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे PBR में इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद फार्मर्स राइट्स की बात करते हैं, तो फार्मर्स राइट्स में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि ये जो राइट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं अंडर द PPV एंड FR एक्ट 2001 के अंदर। PPV एंड FR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट जो था वो 2001 के अंदर बनाया गया था, तो उसके अंदर ये जो राइट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं।